जहाँ से धम्म की शुरुआत हुई, इस धम्म नगरी में आए हुए सभी अतिथियों, सम्मानित साथियों, मैं तेज प्रताप सिंह मौर्य आप सभी को नमो बुद्धाय करता हूँ। साथियों, आज हम सभी सम्राट अशोक धम्म विजय दिवस मना रहे हैं। धम्म विजय दिवस वह दिन जिस दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। अगर हम जाएं उस काल की तरफ जब सम्राट अशोक जी ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, तो हम पाते हैं कि 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र की गद्दी प्राप्त करने के बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य जी ने संपूर्ण भारतवर्ष को जीतने का आंदोलन चलाया और जब तक जीवित रहे अपने शासन काल में जहां तक हो सका लगभग आधे भारत को अपनी तलवार के बल पर जीत करके एक सूत्र में बांध चुके थे। चंद्रगुप्त मौर्य जी के बाद बिंदुसार जी ने चंद्रगुप्त मौर्य जी के यानी अपने पिताजी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए लगभग संपूर्ण भारत को जीत करके अपने राज्य में मिलाया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र और बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक जी जब पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठते हैं तो देखते हैं कि चांद में धब्बे की तरह दिखाई पड़ रहा भारत की एकता अखंडता में एकमात्र दाग कलिंग बचा है और उस कलिंग को जीता। और कलिंग को जीतने के बाद जब भारत की एकता अखंडता कश्मीर से लेते हुए कन्याकुमारी तक, अफगानिस्तान से लेते हुए बर्मा तक बन चुकी थी, तो उन्होंने तलवार के बल पर जीती हुई जीत को विचारों के बल पर जीती हुई जीत में बदला और आज ही के दिन बौद्ध धम्म स्वीकार किया और धम्म के अनुसार शासन चलाना शुरू किए। हम विषय की तरफ आते हैं। सम्राट अशोक का शासनकाल, सम्राट अशोक का शासनकाल, थोड़ी सी उस बारे में हम जानकारी कर लें कि सम्राट अशोक के शासनकाल की स्थिति क्या थी। जनता सुखी थी, घरों में ताले नहीं लगते थे, देश धन धान्य से परिपूर्ण था, कोई किसी का दुश्मन नहीं था, बिना ताला लगाए लोग अपने घरों में घूमने चले जाते थे। शिक्षा का स्तर यह था कि सम्राट अशोक जी के जमाने में जो विश्वविद्यालय बने हुए थे, विशेष रूप से नालंदा और तक्षशिला, एक एक विश्वविद्यालय की स्थिति यह थी कि एक एक विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र निःशुल्क बिना फीस के किताब कॉपी की सुविधा के साथ, छात्रवृत्ति की सुविधा के साथ, भोजन की सुविधा के साथ शिक्षा प्राप्त किया करते थे। धन धान्य की स्थिति यह थी कि आज भी अशोक के शासनकाल के 2200-2300 साल बीत जाने के बाद भी जब इसकी चर्चा होती है उस शासनकाल की, तो कहा जाता है कि अशोक के शासनकाल में देश सोने की चिड़िया थी, यानी धन धान्य से परिपूर्ण देश था और देश की आर्थिक व्यवस्था, देश की सामाजिक व्यवस्था दोनों इतनी सुदृढ़ थी कि देश आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत हो गया था। और विदेश नीति की स्थिति यह थी कि 322 ईसा पूर्व से लेते हुए 184 ईसा पूर्व तक जब तक इस देश में मौर्य वंश का शासन था, और मैंने जो इतिहास का और धर्म का अध्ययन किया है, पूरे भारतवर्ष के इतिहास में
मात्र 139 साल वही मिलता है। 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश का शासन, जिस शासन के बीच किसी भी विदेशी ने भारत की तरफ नजरें नहीं उठाई हैं। इनके पहले भी सिकंदर जैसा आक्रमणकारी आया और इनके बाद तो भारत को विदेशियों ने क्रम से आक्रमण करके गुलाम बनाया और इस कदर गुलाम बनाया कि 1947 का आजादी पाने के लिए पूरे भारतीयों को एक होकर के एकमात्र विदेशी को भगाना पड़ा। अभी तो बहुत से विदेशी भारत में हैं जिन्हें भगाने का प्लान हमें करना है। वह 138-139 साल का शासन जब देश में जनता सुखी थी, निश्चित रूप से जब बाबा साहब अंबेडकर ने 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिलने के बाद जब भारत के संविधान की रचना शुरू की और 26 जनवरी 1950 को जब देश के प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति को संविधान सौंपा, तो उस संविधान को लिखने के पीछे और संविधान में जो कुछ उन्होंने अंकित किया, साफ मनसा थी कि अगर यह संविधान पूर्ण रूपेण लागू हो गया तो अशोक का काल आएगा, वह 139 साल का शासन आएगा जिसमें जनता सुखी होगी, भारत के मूल निवासियों को, यहाँ की 90% जनसंख्या को जो 184 ईसा पूर्व से 1947 तक देश का राजा बनने और बनाने से दूर हो गए थे, 26 जनवरी 1950 के बाद इनकी औकात देश की राजा चुनने को होगा। लेकिन क्या करें, देश में संविधान है और संविधान के अनुसार हर व्यक्ति के वोट की कीमत, हर व्यक्ति के तलवार की कीमत बराबर है। चाहे वह धीरू भाई अंबानी का अरबपति खरबपति लड़का हो, चाहे रोड पर भीख मांगने वाला भिखारी हो, एक वोट की कीमत एक बराबर है। और यह सब कुछ होते हुए भी हमारे ऊपर शासन वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने 184 ईसा पूर्व में उस कल्याणकारी शासन का अंत किया था। तो निश्चित रूप से संविधान को लागू करने, संविधान को चलाने वाले सत्ता में बैठे हुए लोगों का दोष है और उनसे भी ज्यादा दोष उनका है जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बाप के द्वारा लिखे हुए संविधान को वहां बैठकर लागू करें। लेकिन ये आपस में ही खिचड़ी पकाने, आपस में ही लड़ने में व्यस्त है। अगर हमारे वोटों से, हमारे समर्थन से कभी इनको कुछ बनने का मौका भी मिला तो वहां जाने के बाद इनको पता नहीं क्यों वही प्रिय हो जाते हैं जिन्होंने इनकी शासन का विनाश किया। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, पहला वक्ता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज से 15-20 साल पहले जब डंके की चोट पर सभाओं में कहा जाता था कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो शायद लोगों को समझ में नहीं आता रहा होगा। लेकिन आज देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की सारी परिस्थितियां मौजूद कर दी गई हैं और अगर यह देश हिंदू राष्ट्र बनाना है तो साफ स्पष्ट है कि यह देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। और अगर यह देश हिंदू राष्ट्र नहीं है तो फिर किस धर्म का राष्ट्र है? अगर यह जानना हो तो देश की तीन चीजों पर ध्यान दीजिएगा। किसी भी देश का धर्म, दुनिया के किसी भी देश का धर्म अगर जानना हो तो उस देश की तीन चीजों पर ध्यान दीजिएगा। उस देश का राष्ट्रीय झंडा, उस देश का राजचिन्ह और उस देश का संविधान। दुनिया के किसी भी देश का राष्ट्रीय झंडा, दुनिया के किसी भी देश का राजचिन्ह और दुनिया के किसी भी देश का संविधान जिस विचारधारा की तरफ इंगित करता हो वही उस देश का धर्म है।
और भारत का राष्ट्रीय झंडा, भारत का राज चिन्ह और भारत का समानतावादी संविधान पूर्ण रूपेण यह इंगित करता है कि यह बौद्ध राष्ट्र है और इस बौद्ध राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इंडिया गेट पर हिंदू राष्ट्र नहीं लिखा जाएगा, चीन और पाकिस्तान की सीमा पर नहीं लिखा जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में दस्तखत करके हिंदू राष्ट्र नहीं लिखा जाएगा। केवल तीन चीज बदले जाएंगे, इस देश का राष्ट्रीय झंडा, इस देश का संविधान और इस देश का राज चिन्ह। तो साथियों, इस देश का राष्ट्रीय झंडा, इस देश का संविधान और इस देश का राज चिन्ह, जब इसका चयन हो रहा था तो तमाम विरोधियों के सामने, जिसमें हमारी और इस देश के बैकवर्ड समाज का, शेड्यूल कास्ट समाज का कोई योगदान नहीं था, मात्र एक व्यक्ति भगवान बुद्ध का एक नोबल पुत्र बाबा साहब ने अकेले बैठ करके इस बौद्ध राष्ट्र को बौद्ध राष्ट्र बनाया। तमाम विरोधियों का सामना करते हुए, तमाम झंझावातों को झेलते हुए, अपने बीच से तमाम विभीषणों को काटते हुए अगर बौद्ध राष्ट्र बनाया, तो मैं आपसे अपील करता हूं इस धम्म विजयदशमी के दिन कि सर कटा करके इस बौद्ध राष्ट्र की रक्षा कीजिएगा। और यही कहते हुए कि आज देश में विदेशी खतरा, आर्थिक संकट, गृह युद्ध संविधान को बदलने के लिए काफी है और तीनों मौके तलाशते हुए लागू किए जा चुके हैं। तो निश्चित रूप से अगर इसको बचाना है तो फिर से वह लड़ाई हम सभी को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। हमारे बीच सावित्री बाई फूले जी आई हुई है, बहराइच से सांसद थी। अपने सांसद काल में जब देश में तमाम नेता सत्तारूढ़ दल की तरफ जाने के लिए लालायित है, लोग सोच रहे हैं किसी प्रकार हमको ऑफर मिले और मैं इस दल का टिकट पाकर सांसद हो जाऊं, मैं सराहना करता हूं, बधाई देता हूं कि सरकार थी, साल छह महीने लगभग सांसद का कार्यकाल बाकी था, तब भी आपने इस्तीफा दे दिया और वह दल छोड़ दिया। ऐसे लोगों की जरूरत, जो लोग आज वहां हैं सबकी है। आज भी आप देख लीजिए, हमारे लोग तो वहां हैं, अरे क्या कहा जाए, राष्ट्रपति के रूप में भी हैं, तमाम दलों से जीत कर जाने वाले लोग हैं, लेकिन पता नहीं क्यों व्यक्तिगत स्वार्थ, सामाजिक स्वार्थ पर हावी है। और ऐसे लोगों के लिए मैं एक शेर कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि महकते सबाबों की लाली मिले ना, हमेशा ही कांटों की धरती तले है, तेरे ताज पर नाज जिनको है होना, वही नाज गैरों के पांव तले है, जो करता है कुछ कौम की नाज खातिर, वह सपना हमारा अभाव तले है, और अभाव से लड़ने की हिम्मत है जिसमें, वह हीरा ही दुश्मन के पांव तले है, वह हीरा ही दुश्मन के पांव तले है। जय बुद्ध, जय अशोक, जय जगदेव, जय बाबा साहब। National Jan Manch Hour is Jan Jan Key. Please subscribe National Jan Manch and press the bell icon.